अच्छा चलो, तो आज आए हम बहुत टाइम बाद गंगा वाटिका। वो भी फर्स्ट टाइम आया है ना, वो भी बहुत छोटा सा था तब लाए थे हम उसको, कुछ महीने का, 5-6 महीने। गोई तो अंदर चल, आ जा गोई। क्या है, किडनैपर है? हाँ देख लो, किडनैप करके ले जाएंगे। ऐसे तू से नहीं आ रखे हैं, तो तू से नहीं बोल करो, कितना बदतमीज है करो। सीधा वहां लेके चलते हैं, बस लोगों से पिटवाने के लिए ना ऐसे ही बच्चे की जरूरत है जैसे कोई हुआ है, मतलब कहीं भी जाके ये कान बचा देता है। हम इसको इतने टाइम बाद पार्क में लेकर आए और इसने कर दिया ये। एनीवे, नमस्कार यूट्यूब परिवार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, हम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। और अभी टचवुड सबकी तबीयत ठीक ही है, बस ओवी को थोड़ा कोल्ड हो रखा है। और मैं यहाँ पे पार्क लेकर आई थी आज बच्चों को और मेरे हस्बैंड, तो मैं ना दूसरी साइड से निकल के आ गई और वो दोनों दूसरी साइड से आ रहे हैं। तो ओवी अभी पूछा था पापा पापा पापा, तो मैं उसको दिखाने की कोशिश करी, देखो वहाँ पर है। तो मैंने ना अभी थोड़ा जूम करते तब आपको दिखाते हैं, एक्चुअली में तो जूम है नहीं है जितना इसमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखो, जैसे उसको भाई और पापा दिखे वो भाग के चला गया, और अभी हो गया इनके खेलने का टाइम। और दोनों यहाँ के इतने मस्त जाते हैं, और इसमें ना आज बहुत बड़ा कांड हो गया आज पार्क में। हाँ, उसके लिए ना ब्लॉग देखो जल्दी से, जाके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिनको भी स्पेशली बच्चे देखना पसंद है तो वो तो कर ही दो, क्योंकि मेरे बच्चों ने इतनी शैतानी मचाई हुई है ना जिसकी कोई हद नहीं, सीरियसली हद से ज़्यादा। गाइस मैं तो इतनी शॉक थी ना ओवी को देख के, ओवी इतने इंजॉय किया ना, गोयू से ज़्यादा इंजॉय तो ओवी ने किया। और गोयू के साथ क्या कांड हुआ अभी आपको बताती हूँ। तो देखो, ये जैसे खेल रहे हैं ना, ये इसी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी बुरी हालत हो गई रो रो के, मतलब बहुत सेंसिटिव है, हर छोटी सी बात पर रो पड़ता है। और यहाँ पर भी लगने के लिए ना वेट करता है कि उसकी टर्न कब आएगी। बेटा ऐसे तो सब देखो, सब बच्चे कपड़े गंदे हो गए हैं आपको। चलो अभी, लेकिन आपको बचाना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं बचाती हूँ। देखो अच्छा, पापा जैसे अभी को कराएंगे, ठीक है वैसे। और पता है क्या, आधा तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ क्योंकि पुलकित ने बीच में ही कैमरा बंद कर दिया था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा शोर मचा के रख दिया था। बहुत रोया, बहुत रो, उसके कपड़े अब तक मैं साफ़ कर चुकी थी, जब आप देख रहे हो इसके कपड़े पूरा मिट्टी में हो गए थे, यहाँ पे घास है ना सूखी उसमें हो गए थे। तो मैंने कहा चलो अभी हम ओवी को कराते हैं, लेकिन हाँ ओवी ने पूरा इंजॉय किया, सीरियसली मज़ा आया। मतलब बच्चों को जब खुशी होती है ना तो देखिए, एक्चुअली में हमें ही खुशी होती है। तक इन लोगों की मस्ती चल रही है ना, आप जल्दी से जाओ वीडियो को लाइक करो, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको बच्चों की मस्ती कैसी लग रही है, कि आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं अगर बच्चे हैं तो, और आपको पसंद हो तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड यहाँ पे देखो, मतलब फर्स्ट टाइम ओवी ने भी यही ट्राई किया और इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था, मैं आपको लफ्ज में बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा था सच्ची में, बहुत बहुत ज़्यादा। और इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन इसका पैर ना थोड़ा सा फिसल गया इस पे से, तो उसके पापा ने इसको थोड़ी हेल्प किया, उसके पीछे पीछे लगे हुए थे बिकॉज बहुत छोटा है, लेकिन हाँ जितना छोटा है वो उसके हिसाब से उसने काफ़ी कोशिश की। और हाँ इतना है कि अगर बच्चों को बच्चों में खेलने देना तो सीरियसली बच्चे जल्दी ग्रो करते हैं और जब नई चीज़ें देखते हैं। मैं नोटिस कर रही थी कि गोयू से भी बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर थे और इतने तेज़ बच्चे थे, बहुत ज़्यादा, और मतलब फिजिकली भी और मेंटली भी बहुत तेज़ थे। और ये दोनों ऐसा हो रखे थे जैसे पता नहीं पहली बार आए हो, मतलब इनको एक इस पे खेलने के लिए भी ना पहले वेट कर रहे हैं कि अगर जगह मिलेगी तो जाएंगे, और जो दूसरे बच्चे हैं ना उनको हटा हटा के आगे भाग रहे, हट 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 पीछे पीछे। तो भी फिलहाल दोनों यहाँ पर यही थे, और मैंने बोला उसके पापा को चलो मैं इनके पीछे भागती हूँ तो आप फ़ोन पकड़ो, तो मैं इनके पीछे भागी। मैंने कहा चलो हम दौड़ लगाते हैं, और जैसे हम दौड़ लगाए ओवी का पैर फिसला, मैंने उसको संभाल लिया, इसलिए उसका हाथ पकड़ के चल रही थी बिकॉज वो फिसल ना जाए, क्योंकि उसको कॉम्पिटिशन करना था गोयू के साथ। तो मैंने कहा चलो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, तो बस यहाँ यही सब चल रहा था। और मैंने बोल के जैसे किसी काम को बोला था, पता इनसे जो मैं कहती हूँ ना वो इनको कभी नहीं करना होता, तो यही हुआ। और मुझे इतनी तेज़ गुस्सा आया ना सच में, और मैंने कहा ठीक है अभी ना मैं तुमसे बात ही नहीं करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं जिस काम के लिए भी बोलती हूँ ना उनको वो काम करना ही नहीं होता, ये मुझे पागल समझ लेते हैं कि ये पागल है, हाँ बोल रही है चुप हो जाएगी। तो यही चल रहा था, मेरे को सच्ची में बहुत गुस्सा आ गया यहाँ पर ही। और जब इन्होंने बात नहीं मानी तो मैंने कहा चलो अभी मैं ऐसे जा रही हूँ, देखो मैं वहाँ जाके मैंने थोड़ा मैं उदास होकर बैठ गई, मैंने कहा हाँ तुम हमेशा ऐसे करते हो, कहीं भी मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ घर पे होती हूँ तब भी तुम्हारा यही ड्रामा होता है। तो बस यही मैं इस टाइम गुस्से में बैठ गई थी।
झुलमुली झुलीमुली टीटू आंटी, हेलो टीटू आंटी, व्हाट हैपन टीटू आंटी? बस नहीं यार, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी पड़ती। जो मैं कहती हूँ तुम वो कभी भी नहीं करते, कुछ अलग ही करते हो। कुछ आता यार। ए बुंदलो। अच्छे अच्छे। यहाँ देखो ये दोनों इसके अंदर चले गए थे और मैंने कहा चलो भाई घर जाना है जल्दी जाना, तो बस इसको हम यहाँ से निकाल रहे थे, लेकिन दोनों आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। दोनों को बड़ी मुश्किल से हम लोग बाहर लेकर आए, लेकिन सही में बच्चों को ना आज बहुत ज़्यादा खुशी मिली, इंजॉय किया उन लोगों ने बहुत बढ़िया से एकदम। मैं उसको बोलती थी कपड़े झाड़ लें यहाँ पर, क्योंकि पूरे गंदे हो गए थे धूल मिट्टी में, और वो भी को देखो फिर से भाग गया, फिर तो उसको लाना पड़ेगा। मतलब इन दोनों का यही ड्रामा है। एनीवे बच्चों को तो चलता ही रहेगा। और जाने से पहले ना मैंने सोचा कि चलो एक बार ना आपको इनसे बाय बुलवा दूँ, लेकिन ये दोनों बाय बोलने को तैयार नहीं। मतलब जाते जाते भी ना हम कितनी बार बैठ गए, जैसे कि देखो अभी हम यहाँ पर बैठ गए हैं। तो ये हमारा चलता रहा अगैन इन अगैन अगैन इन। फिर मैंने को बोला चलो यार चलते हैं, लेट हो रहा है। और आप लोगों से भी मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। अभी इसको यहाँ से लेके सीधा घर निकलते हैं, और जल्दी से आप प्लीज़ ये ब्लॉग शेयर करो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।